क्या शादी करना जिस्मानी रिश्ता कायम करने का लाइसेंस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। क्या शादी करने से एक मर्द को जिस्मानी रिश्ता बनाने का लाइसेंस मिल जाता है? आखिर क्यों भारतीय समाज में एक औरत के शादी कर लेने का मतलब उसके पति की हर ख्वाहिश पूरी करने का हक समझा जाता है? क्या शादी करने का मतलब औरत अपने पति को ना नहीं कह सकती? आपको बता दें, हमारे देश भारत में हर 25 में से एक महिला को अक्सर उसके पति द्वारा यौन हिंसा यानी कि सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होना पड़ता है। हमारे समाज के लोग सहमति यानी कि कंसेंट का मतलब नहीं जानते हैं, और अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं तो फिर ऐसे में आपको अपने पति को न कहने का हक आपसे छिन जाता है। किसी औरत या लड़की के शादी करने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप उसकी मर्जी के बगैर उसके साथ कुछ भी करें। इसी को मैरिटल रेप बोलते हैं। हमारा देश भारत ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को देवी माना जाता है, लेकिन जब बात उसी महिला के साथ अत्याचार शारीरिक उत्पीड़न की आती है तो कोई भी आवाज नहीं उठाता है। जरा आप खुद सोचिए, जब अपना ही पति संबंध बनाते समय बलात्कारी लगने लगे तब उस महिला और बीवी की मानसिक स्थिति, उसकी मनोदशा और उसके कष्ट का अंदाजा लगा पाना कितना मुश्किल है। भारत में मैरिटल रेप को गुनाह या जुर्म नहीं माना जाता है। हमारे देश में लड़की को शुरू से यही सिखाया जाता है कि उसका पति तो उसका परमेश्वर है, अपने पति को खुश करना ही उसकी जिंदगी का असली फर्ज है। आपको बता दें, देश की औरतें अपने घर में भी महफूज नहीं है। खुद राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। बीते साल 2022 में महिलाओं के साथ अलग अलग तरह के अपराध के करीब 30,900 मामले दर्ज हुए। इसमें 23% मामले सिर्फ घरेलू हिंसा के बताए गए थे। साल दर साल इसमें इजाफा हो रहा है। मैरिटल रेप मामले को बलात्कार के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 14 मार्च को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, भारतीय कानून में फिलहाल मैरिटल रेप कानूनी तौर पर अपराध नहीं है, लेकिन महिलाओं के साथ हिंसा और अपराध में लगातार इजाफा हो रहा है। आज भी देश के कई हिस्सों में महिलाओं को दबाया जाता है, और जब महिलाएं इस बारे में बात करना चाहती हैं तो समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता कि एक पति अपनी बीवी का बलात्कार कैसे कर सकता है। अरे, उसने तो शादी की है, भला दो मियां बीवी के बीच में बलात्कार जैसी चीज कैसे आ सकती है। आंकड़ों की बात करें तो करीब 70% शराबी पति अपनी बीवियों के साथ यौन हिंसा करते हैं। आपको बता दें, कर्नाटक समेत बिहार, मणिपुर, तमिलनाडु और तेलंगाना देश के ऐसे टॉप 5 राज्य हैं जहां पर महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा अंजाम दी जाती है। बात करें राज्य की तो उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां पर महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा हिंसा की जाती है। आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 55% महिलाओं के साथ हिंसा की जाती है, कर्नाटक में 44%, बिहार में 40%, मणिपुर में 40%, तमिलनाडु में 38% और तेलंगाना में 37%। शारीरिक संबंध दो लोगों के बीच गहरे भरोसे, रिश्ते और आपसी सहमति को बयां करता है। ऐसे में सिर्फ एक ही की मर्जी होना कहां तक जायज है? अमूमन एक औरत ने शादी के बाद कभी ना कभी अपनी जिंदगी में एक बार शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना को अनुभव जरूर किया होता है। पुरुष वर्ग अपने आप को महिला पर बेहद हकदार महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि भले ही उनकी बीवी उनके साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करने के लिए मना कर दे, लेकिन वो इस पर सवाल उठा सकती हैं। ऐसे में हमें महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि हमारे देश की हर महिला को पता चल सके कि जिस दौर से वो गुजर रही है वो सामान्य नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहिए इन खबर।